हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी एक कमाल की एक हिडन सेटिंग या बोल सकते हैं हिडन टिप बताने वाला हूँ, जो कि छोटी सी है, हो भी सकता है आपके लिए यूजफुल हो या नहीं भी हो, पर मुझे लगा कि ये बहुत काम की है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैग में। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है काफ़ी यूजफुल है और किसी को लगता होगा या नहीं भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आप कोई एनिमेशन को खोल के बंद करते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभार एनिमेशन थोड़ा स्लो होता है। आप वहाँ पर जाके कर भी सकते हैं, वो डेवलपर ऑप्शन पर जाके रिड्यूस कर सकते हैं। पर मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रहा हूँ, ना आपको डेवलपर ऑप्शन पे जाना है ना आपको और कहीं जाना है, और सिंपल आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको क्वाइट डिफरेंट मिलेगी, आप हो सकते हैं स्मूथर मिलेगी पहले से। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे अभी जैसा चल रहा है उससे काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, आप देखेंगे इससे तो काफ़ी स्मूथ आपको मिलने वाली है। तो इसको कैसे करेंगे ये मेरे को किसी ने बताया है, हो सकता है आप में से किसी लोगों को पता भी हो नहीं भी बताओ, थोड़ी सी अलग है, आप मानेंगे नहीं कि उससे उसका फर्क होगा बट वो फर्क होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर जाना है आपको सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल पे। यहाँ जाने के बाद आपको नेविगेशन जो गैजर वाला ऑप्शन है ना, इसको ऑफ कर लेना है। अगर आपका ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए आपका एनिमेशन स्मूथर हो जाएगा पहले से। आप देखेंगे जैसा कि पहले हो रहा था उससे काफ़ी स्मूथ यहाँ पर हो चुका है। अभी आपके सामने पहले ऑन था, अब वो मैंने ऑफ कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ मुझे तो अभी से ही लग रहा है, और आप भी देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। पहले जब मैंने सुना था मुझे भी लगा था यार इससे तो ना कुछ होता होगा, बट मैंने इसको यूज़ करा, यूज़ करने के बाद मुझे लगा एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था। मुझे कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताना कि ये रियल में आपके मोबाइल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो ये वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने पहले भी खोला था और उसके बाद खोल रहा हूँ, तो उसके बाद दोनों में अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जल्द से जल्द 20K तक पहुंच सकूं, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।